त्रिपुरा में जो कल बात हुआ उसको लेके आप सेंट्रल में कुछ बातचीत करेंगे क्या? हमारे राष्ट्रीय इस पे मैं बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये बीजेपी का अपना मामला है, उसमें मेरा कोई ऐसा हम लोगों का रोल नहीं है। लेकिन भारत रक्षा मंच इंडिपेंडेंट संगठन है, हम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, बीजेपी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। भारत रक्षा मंच राष्ट्रीयता की बात करती है, भारत रक्षा मंच हिंदू रक्षित बात करती है। दिन लेने के पीछे कोई विशेष वजह है? सारे के सारे दिन विशेष होते हैं, ये पूर्ण हमारा ये मानना है। और पूरे विश्व में ये भारत जो है इतिहास उठा कर देखें, भारत जो है हिंदुओं की जन्मभूमि रही है, हिंदुओं की जन्मभूमि है। इसके साथ बीजेपी का कोई संबंध नहीं है यहाँ पर, जो लोग बीजेपी में है लेकिन भारत रक्षा मंच में है भी काम कर रहा है उन लोगों को होशियारी दे दिया कल, तो आप क्या आप बोल रहे हैं कि आपके साथ को मैंने बोल रहा था कि त्रिपुरा का बीजेपी के बारे में बोला, तो बीजेपी के दो भाग में है, त्रिपुरा अलग से भारत में ही तो है त्रिपुरा। बीजेपी एक ही पार्टी है, कहीं दो नहीं है। और देखिए ये हमारे मामला संज्ञान में नहीं, मैंने सुना कि नहीं, मैं फ्लाइट के साथ आया हूँ, जानकारी मिला है कैसे कोई प्रवक्ता ने बोला है, और निश्चित रूप से उसको जानकारी करके बोलना चाहिए। सुजीत पाठक है, मैं भारत रक्षा मंच का राष्ट्रीय सह संपर्क प्रमुख और उत्तर पूर्वांचल भारत रक्षा मंच का संगठन मंत्री हूँ। आप ठाकुर अनुप सिंह तोमर जी हैं भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय मंत्री, वो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। वो देश तब तक विकसित नहीं होता है, वो देश तब तक संपूर्ण शक्तिशाली नहीं होता है जब तक उस देश का बहुसंख्यक, जब तक उस देश का ज़्यादा आबादी वाले लोग खुशी और संपन्न ना।